ये देखिए कितना स्पॉन्जी लग रहा है। कोई भी इसे देखकर कह नहीं सकता कि हमने इसे घर में बनाया है और वो भी विदाउट ओवन बनाया है। इसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट यूज किए हैं वो हर घर में आसानी से मिल जाएंगे और बहुत कम इंग्रेडिएंट में बन जाएगा। और आइसिंग के लिए तो हमने यूज किया है डेरी मिल्क, जो हर जगह आसानी से मिल जाती है। हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बना रहे हैं एक रिक्वेस्टेड रेसिपी, मैंगो केक। इसकी आइसिंग हम बिना किसी ज्यादा सामान के करेंगे। इसके लिए आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना होगा। चलिए देखते हैं मैंगो केक कैसे बनाते हैं और उसकी इजी आइसिंग कैसे करते हैं। मैंगो केक बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई प्रीहीट कर लेंगे। गैस को लो फ्लेम पे ऑन कीजिए। मोटे तले वाली कढ़ाई, भगोना या फिर कुकर रख दीजिए। इसमें इस तरह का कोई भी स्टैंड या फिर कटोरी को उल्टा करके रख दीजिए या फिर स्टील या आयरन की रिंग रख दीजिए। लो फ्लेम पर ढक कर लगभग 10 मिनट तक प्रीहीट कर लेना है। अगर आपके पास मोटे तले वाली कढ़ाई नहीं है तो आप इसमें नमक डाल सकते हैं। आज हम इस केक को कढ़ाई में बना रहे हैं, पर अगर आप इसे ओवन में बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को पूरा देखिए। मैंने आगे बताया है इसे ओवन में कैसे बनाना है। जब तक कढ़ाई प्रीहीट हो रही है बाकी की तैयारी कर लेंगे। केक टिन में लगाने के लिए बटर पेपर ले लीजिए। बटर पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। उसके बदले में हम क्या यूज कर सकते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। आज हम जो केक टिन यूज कर रहे हैं ये 5 इंच का है। अगर आपके पास केक टिन नहीं है, अच्छी क्वालिटी का स्टील का डब्बा यूज कीजिए। केक टिन में सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए। उसके बाद रख दीजिए बटर पेपर। और अब फिर से बटर पेपर के ऊपर और केक टिन के साइड में ऑयल लगा देना है। आप देख सकते हैं कितना कम ऑयल लगाना है, बहुत ज्यादा ऑयल नहीं लगाना है। ये है मैंगो केक और उसके डेकोरेशन के इंग्रेडिएंट। इस मैंगो केक को हम पार्ले जी के साथ बना रहे हैं। मैंने लगभग 200 ग्राम पार्ले जी बिस्किट लिए हैं। गिनती में ये 39 बिस्किट्स हैं। आप एक दो बिस्किट कम या ज्यादा ले सकते हैं। बिस्किट को तोड़कर या फिर डायरेक्ट ग्राइंडर में डाल दीजिए। बिस्किट ग्राइंड करने के साथ ही इसमें 4 छोटे चम्मच चीनी डाल दीजिए या फिर अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। और अब इसे चलाते हुए महीन ग्राइंड कर लीजिए। एक बड़े बर्तन में डालिए और चेक कीजिए बिस्किट का कोई मोटा पार्ट रह तो नहीं गया है। अगर रह गया है तो हाथों की सहायता से चूरा करके डाल लीजिए। इसमें ही डाल दीजिए 2 टेबलस्पून अनफ्लेवर ऑयल या फिर मेल्टेड बटर। अब 1 कप दूध लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और मिलाते जाइए। सभी इंग्रेडिएंट रूम टेम्परेचर के होने चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट रहते हैं कि केक बनाने के लिए कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए। केक बनाने के लिए कभी भी सनफ्लावर ऑयल या फिर राइस ब्रैन ऑयल यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहती है, इसलिए ये केक के लिए एकदम परफेक्ट है। 1/2 कप मैंगो पल्प डालिए और फिर से मिक्स कर लीजिए। आपने देखा कि मैंने थोड़ा सा दूध बचा के रखा है, उसे हम बाद में यूज़ करेंगे। इतने इंग्रेडिएंट डाल लेने के बाद बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अब केक बैटर में डालना है 1 पैकेट रेगुलर या फिर लेमन इनो। 1 पैकेट मींस 1 टीस्पून इनो डालना है। इस पर थोड़ा सा बचा हुआ दूध डालिए। एक ही डायरेक्शन में हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड मेथड से चलाते हुए मिक्स कर लीजिए। यहाँ आप सभी के साथ मैं एक बोनस टिप शेयर कर रही हूँ। बैटर में इनो डालने के बाद लगभग 1/2 मिनट से लेकर 1 मिनट तक ही केक बैटर को मिक्स करना है, वो भी बहुत जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करना है। हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड मेथड से ही मिक्स करना है, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो आपका केक स्पॉन्जी नहीं बनेगा। अब
तुरंत ही बिना देर किए इसे पलट दीजिए केक टिन में। केक टिन में पलटते समय ध्यान रखें, सब तरफ बैटर डालना है, किसी एक जगह पे नहीं डालना है। 2 से 3 बार टैप कीजिए। इसी तरह की और भी रेसिपीज देखने के लिए, बाकी अपडेट्स के लिए सोशल मीडिया पे फॉलो करना ना भूलें और कमेंट भी जरूर कीजिए। तुरंत ही केक टिन को रख दीजिए प्री हीट हो चुकी कढ़ाई में या फिर भगोने में, जिसमें भी बना रहे हैं। और ध्यान रखें, केक टिन को हमें 3/4 ही भरना है, ऊपर का 1/4 हिस्सा हमें खाली रखना है केक का स्पॉन्ज आने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं भरना है, ये भी ध्यान रखें। ढक दीजिए लो फ्लेम पर, लगभग 30 से 35 मिनट तक बेक होने दीजिए। उसको बीच बीच में ओपन करके चेक नहीं करना है। 30 मिनट के बाद चेक कीजिए, किसी नाइफ की या फिर टूथपिक की सहायता से देख लीजिए, अगर बेक हो गया है तो निकाल लीजिए, नहीं तो 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पे और बेक होने दीजिए। हर एक की गैस की फ्लेम अलग अलग होती है, इसलिए टाइम थोड़ा सा कम या ज़्यादा लग सकता है। अगर आप इसे ओवन में बना रहे हैं, ओवन को पहले 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर प्रीहीट कर लेना है और फिर से 180 डिग्री पर ही 30 से 35 मिनट तक बेक कर लेना है। केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। 10-15 मिनट ठंडा होने दीजिए, उसके बाद पलटकर अनमोल्ड कर लीजिए। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, ऑयल लगाने के बाद आप मैदे से डस्ट कर सकते हैं, तब भी केक बहुत अच्छे से अनमोल्ड हो जाता है। वाओ, आप देख सकते हैं केक कितना परफेक्ट बना है, कितना बाउंसी और स्पॉन्जी दिख रहा है और कितनी परफेक्ट जालियां आई हैं। जैसे हमने इस केक को झटपट बनाया है, वैसे ही इसका डेकोरेशन भी एकदम झटपट करेंगे। फ्रेश मैंगो को कट कीजिए, ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिए। 1 कप मैंगो को एक फैलती हुई कढ़ाई में डाल दीजिए और गैस पे चढ़ा दीजिए। फ्लेम को मीडियम टू हाई कीजिए। इसमें ही डाल दीजिए 1/4 कप चीनी और 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे चलाते हुए कुक कर लेना है। इतनी देर में आपकी मैंगो आइसिंग तैयार हो जाएगी। मैं इसे 2 केक में यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है, पर अगर आप 1 केक के लिए बना रहे हैं तो 1 कप पल्प ही तैयार कीजिए। लास्ट में इसमें डाल दीजिए 1 छोटा चम्मच बटर या फिर घी, मिक्स कीजिए। लीजिए, तैयार है मैंगो गनाश। देखा आपने, 10 मिनट के अंदर ये तैयार हो गई। इसे अब छन्नी से छान लीजिए, ठंडा कीजिए और जब चाहे तब यूज़ कीजिए। इस मैंगो पल्प को आप लगभग 15 से 20 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। बिना किसी देरी के अब इसे लगा लेंगे हम केक पर, वो भी चम्मच से। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है लाइक कीजिए, और अगर नहीं पसंद आई है डिसलाइक कीजिए। है ना ये एक बहुत ही आसान सा आइडिया केक डेकोरेट करने का। चम्मच से इस तरह से डाल दीजिए, केक के ऊपर फैला दीजिए। आप चाहे तो साइड में भी लगा सकते हैं, पर मैं नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ ऊपर के साइड लगा रही हूँ। अब नाइफ लीजिए और उससे इस तरह से प्लेन कर लीजिए। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी, बहुत ही आसानी से ये प्लेन हो जाएगा। अगर आप व्हिप क्रीम की सहायता से डेकोरेट करना चाहते हैं और आपके पास केक डेकोरेशन टूल्स नहीं है, उसे कैसे डेकोरेट करें ये ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब 1 चम्मच बटर को मेल्ट कर लीजिए। इसमें डाल दीजिए 10 रुपए वाला डेरी मिल्क या फिर अपने पसंद की कोई भी चॉकलेट। चॉकलेट को मैंने पहले ही बाहर निकाल के रखा था, इसलिए ये ऑलरेडी मेल्ट हो गई है। अब इस चॉकलेट वाले बर्तन को गर्म पानी में रख दीजिए, 2 से 3 मिनट में मेल्ट हो जाएगी। और अगर आप एक्स्ट्रा डार्क कलर चाहते हैं, थोड़ी सी कॉफ़ी डाल के मिक्स कीजिए, पाइपिंग बैग में या फिर नॉर्मल पॉलीथीन में भर लीजिए। है ना ये एक बहुत ही स्मार्ट आइडिया केक डेकोरेशन का। अगर आप इसी तरह की और भी स्मार्ट रेसिपीज देखना चाहते हैं, स्मार्ट रेसिपीज बनाना चाहते हैं, बने रहिए सीमा स्मार्ट किचन के साथ। अब मैंगो पल्प के ऊपर किसी भी तरह का डिज़ाइन बना लीजिए।
मैं यहाँ पे राउंड राउंड कर रही हूँ, आप अपनी पसंद का बना सकते हैं। इस तरह का डिज़ाइन तो हर कोई आसानी से बना सकता है और बनने के बाद ये इतना खूबसूरत दिखता है कि किसी को भी नहीं लगेगा कि ये आपने घर में बनाया है, सभी को लगेगा इसे आपने बेकरी से लाया है। टूथपिक की सहायता से हल्के हाथों से लकीरें बना लीजिए। वाओ, आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। स्क्रीन पर आपको दो रेसिपीज दिखाई दे रही हैं, इनमें से जो भी आपको पसंद है क्लिक कीजिए, मैं वहाँ आपका वेट कर रही हूँ।